नमस्कार मित्रों, झारखंड पीजीटी हिस्ट्री की सीरीज चल रही है। हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट में आप सभी का स्वागत भी है। मैं यह बोलना भूल गया हूँ, तो यह झारखंड पीजीटी हिस्ट्री की सीरीज चल रही है और यह सीरीज संख्या 23 है मित्रों, सीरीज संख्या 23। तो इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, झारखंड पीजीटी हिस्ट्री के नाम से, झारखंड पीजीटी हिस्ट्री वन लाइनर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइएगा, सभी वीडियो को देखिएगा। यह जो पूरी सीरीज आप लोग को मिल रही है, यह जो पूरा पीडीएफ है, यह 5500 क्वेश्चन का पीडीएफ है। इसमें कुल कितने प्रश्न हैं? 5500। और ये जो 5500 क्वेश्चन की सीरीज है, इसमें एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, इससे संबंधित 5500 क्वेश्चन है। यह वन लाइनर सीरीज वीडियो के माध्यम से आप लोग को मिल रहा है। यह 23वीं सीरीज है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, झारखंड पीजीटी हिस्ट्री वन लाइनर नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। और अगर यह पीडीएफ आप लोग लेना चाहते हैं तो हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर मैसेज कर सकते हैं। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर ऊपर शो हो रहा है, यहां पर भी बता दे रहा हूं, हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 8318397276। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, डिस्क्रिप्शन में भी है, हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर मैसेज करिएगा और सिर्फ 250 रुपये पेमेंट करेंगे आपको यह पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा, जिसमें 5500 क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और झारखंड पीजीटी इतिहास का अगर कंप्लीट कोर्स अगर आपको परचेज करना है तो 999 रुपये का कोर्स है। इसमें लेटेस्ट वीडियो मिलेंगे, लेटेस्ट वीडियो के नोट्स मिलेंगे, वन लाइनर सीरीज भी मिलेगी और भी बहुत सारे मॉक टेस्ट सीरीज आपको मिलते रहेंगे। तो जिनको भी चाहिए हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं, 23वीं सीरीज है यार। प्रश्न संख्या 991 देखिएगा, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोदी, ठीक है। दिल्ली सल्तनत की बात हो रही है, सल्तनत में मुगल वंश को छोड़कर जितना भी इस्लामिक शासन रहा है उसे सल्तनत कहा जाता है, ठीक है। प्रश्न संख्या 992 देखिएगा, इब्राहिम लोदी ने किस शहर को अपना राजा अभिषेक करवाया था? किस शहर में? तो आगरा में। प्रश्न 993 देखिएगा, इब्राहिम लोदी ने किसको हराकर ग्वालियर को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था? मानसिंह के पुत्र विक्रमजीत को। प्रश्न 994, इब्राहिम लोदी किससे पराजित हुआ था? राणा सांगा से। प्रश्न 995, बिहार के किस शासक ने खुद को स्वतंत्र घोषित किया जिसे इब्राहिम लोदी नियंत्रित नहीं कर सका? बहार खां। प्रश्न संख्या 996 देखिएगा, पानीपत की लड़ाई कब हुई थी? 21 अप्रैल 1526 में। प्रश्न संख्या 997, इब्राहिम पानीपत की लड़ाई किसके बीच में हुई थी? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। प्रश्न संख्या 998 देखिएगा, पानीपत की लड़ाई में किसकी हार हुई थी? इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। प्रश्न संख्या 999, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने निमंत्रण दिया था? पंजाब के शासक दौलत खान लोदी और इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खान ने। प्रश्न संख्या 1000 देखिएगा, मूठ की मस्जिद का निर्माण किसने किया था? सिकंदर लोदी के वजीर ने। मूठ की मस्जिद का निर्माण किसने किया था? सिकंदर लोदी के वजीर ने किया था। प्रश्न संख्या 101 देखिएगा, सल्तनत काल में मुख्य रूप से कितने कर लिए जाते थे? उस्र जो लिया जाता था मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था, खराज गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था, जकात मुसलमानों पर धार्मिक कर था, जजिया गैर मुसलमानों पर धार्मिक कर था। 1556 देखिएगा, कबीर के शासनकाल में समकालीन थे सिकंदर लोदी। प्रश्न संख्या 1002 देखिएगा, कश्मीर में स्वतंत्र हिंदू राज्य की स्थापना 1301 में सुहेलदेव ने किया। में शाह अमीर शमसुद्दीन शाह के नाम से कश्मीर का पहला मुस्लिम शासक बना, उसने इंद्रकूट में राजधानी बनाया। प्रश्न संख्या 1003, कश्मीर का कौन सा शासक धर्मांत था? सिकंदर। प्रश्न संख्या 1004, सिकंदर ने कौन सी उपाधि धारण की थी? बुद्ध सिकंद। प्रश्न संख्या 1005, जैनुल आबदीन के नाम से कश्मीर का कौन सा शासक मशहूर था? शाही खान। प्रश्न संख्या 1006, शाही खान ने किसे जजिया कर से मुक्त किया था? हिंदुओं को। प्रश्न संख्या 1007 देखिएगा, शाही खान ने फारसी में किस भारतीय ग्रंथ का अनुवाद किया था? रातरंगड़ी एवं महाभारत का। प्रश्न संख्या 1008, जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किसकी याद में किया था? अपने भाई जूना खां के याद में। प्रश्न संख्या 1009, किसके नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में जौनपुर में सरकी राजवंश का शासन शुरू हुआ? मलिक सरवर। किसके नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में जौनपुर में सरकी वंश का शासन शुरू हुआ था? मलिक सरवर। प्रश्न संख्या 1010 देखिएगा, जौनपुर का प्रसिद्ध शासक कौन था जो
और उसने किसको हराया था? हुसैन शाह सरकी बहलोल लोधी को हराया था। प्रश्न संख्या 1011, जौनपुर को क्या कहा जाता था? भारत का सिराज। प्रश्न संख्या 1012, गुजरात 1407 में जफर खान ने सुल्तान मुजफ्फर शाह की उपाधि धारण कर स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। अहमद शाह ने बसाया था अहमदाबाद को। अहमद शाह ने बसाया था। प्रश्न 1013 गुजरात के बारे में है। 1407 में जफर खान ने सुल्तान मुजफ्फर शाह की उपाधि धारण कर स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। तो स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने किया था? सुल्तान मुजफ्फर शाह। ठीक है, इसका नेम क्या था? जफर खान था। ठीक है, अहमदाबाद शहर की स्थापना अहमद शाह ने किया था। प्रश्न संख्या 1014 देखिएगा, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया? हरिहर और बुक्का ने किया था। प्रश्न संख्या 1015, हरिहर बुक्का ने किसकी मदद से विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी? अपने गुरु विद्यारण्य की मदद से। प्रश्न संख्या 1016, संगम राजवंश कब से कब तक था? 1336 से 1485। विजयनगर का पहला शासक कौन था? हरिहर प्रथम था। प्रश्न संख्या 1017, हरिहर के बाद गद्दी पर कौन बैठा? बुक्का। प्रश्न संख्या 1018, किसने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवाया था? देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवाया था, देवराय प्रथम। प्रश्न संख्या 1092, 1019, देवराय प्रथम ने अपनी पुत्री का शादी किससे किया था? बहमनी शासक घोष शाह से। हरिविलासम की रचना किसने की थी? तेलुगु कवि श्रीनाथ ने हरिविलासम की रचना की थी। प्रश्न संख्या 1021, महानाटक सुधा निधि एवं ब्रह्मसूत्र का टीका किसने लिखा था? देवराज द्वितीय ने। प्रश्न संख्या 1022 देखिएगा, किसने दहेज प्रथा को अवैधानिक घोषित किया था? देवराज द्वितीय। प्रश्न संख्या 1023, शालू वंश की स्थापना 1485 से 1502 ईस्वी को है। 1485 में नरसिंह शालू ने विजयनगर शासन शुरू किया। उसके सेनापति नरसा नायक इसके द्वारा अधिकारियों को मार्ग 1502 में तुलु वंश की उड़ाली। प्रश्न संख्या 1024, तुलु वंश क्या है? इस वंश का संस्थापक कौन था? नरसा नायक के पुत्र वीर नरसिंह को माना जाता है। प्रश्न संख्या 1025 देखिएगा, किसने पुर्तगाली गवर्नर अबू बकर को भटकल में दुर्ग निर्माण की स्वीकृति दी थी? कृष्णदेव राय ने। प्रश्न संख्या 1026, तुलु वंश का संस्थापक कौन था? कृष्णदेव राय। 1027, कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु के कितने विद्वान रहते थे? 8। प्रश्न संख्या 1028, आंध्रभोज के नाम से किसे जाना जाना जाता है? कृष्णदेव राय को। 1029, तेनालीरामा और अलसानी पद्देन किस किस दरबार में रहते थे? तो कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। प्रश्न संख्या 1030 देखिएगा, पांडुरंग महामार्तम कृष्णा किसने की? तेलानीरामा। प्रश्न संख्या 1031, अरविडु वंश की स्थापना किसने किया था? अरविडु वंश का संस्थापक था तिरुमल। 1032, तिरुमल का उत्तराधिकारी कौन था? रंगदूती। प्रश्न संख्या 1033, किसने स्पेन के राजा से पत्र व्यवहार किया था? वेंकटदूती। प्रश्न संख्या 1034, किसने विजयनगर की राजधानी चंद्रगिरी से स्थानांतरित कर दी थी? वेंकटदूती ने। प्रश्न संख्या 1035, मैसूर राज्य की स्थापना किसने और कब की थी? 1612 में वोडियार ने किया था। प्रश्न संख्या 1036, बहमनी राजवंश के बारे में बताएं तो अलाउद्दीन बहमन शाह ने 1347 में इस राज्य की स्थापना की। गुलबर्गा को इसकी राजधानी बनाया। हुमायूं शाह 1458 में बहमनी का शासक बना। इसने जालिम शासक के रूप में भी जाना जाता है। मोहम्मद द्वितीय तृतीय के शासनकाल में रूसी यात्री निकटिन बहमनी वंश में आया था। 1557 देखिएगा, जैन धर्म में पुरातन आगम ग्रंथों की संख्या कितनी है? तो 46 है। जैन धर्म ग्रंथों में पुरातन आगम ग्रंथों की संख्या क्या है? 46। प्रश्न संख्या 1558, महाराष्ट्र में आर्य महिला समाज की स्थापना किसने की थी? भगनी निवेदिता ने, सिस्टर निवेदिता भी इनको बोलते हैं। ठीक है, 1549, वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो दिल्ली में हुई थी। 1560 देखिएगा, किस क्षेत्र में अनुदान ग्राहिताओं को ग्रामों के साथ उसमें निवास करने वाले दस्तकार चरवाहे किसान भी दान में दिए जाते थे? मध्य भारत और उड़ीसा में यह काम होता था। 1561 देखिएगा, दादू पंथियों का केंद्र क्या है? तो दादू पंथियों का जो केंद्र था वो जयपुर था। 1562, गुलाबी नगर या पूर्व का पुलिस किसे कहते हैं? तो जयपुर को कहते हैं। महाराष्ट्र में आर्य महिला समाज की स्थापना किसने किया था? सिस्टर निवेदिता ने। 1559 देखिएगा, वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो दिल्ली में हुई थी।
किस क्षेत्र में अनुदान ग्राहिताओं को ग्रामों के साथ उसमें निवास करने वाले दस्तारों चरवाहे किसान भी दान में दिए जाते थे, मध्य भारत और उड़ीसा में। मध्य भारत और उड़ीसा में इस तरह की गतिविधि होती थी। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद आप लोग को।